गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 3 बजे हैं। आज है संडे, नवंबर का 1st, और हम जा रहे हैं डुगरी गुरु जी के मंदिर पंजाब। पिछले महीने जो हमने जाना था और नहीं जा पाए थे क्योंकि मुझे एकदम रात को बुखार चढ़ गया था, तो आज हम जा रहे हैं, गुरु जी ने बुलाया है। तो मैं रात को आलू उबाल के छील कर सोई थी और अब मैं इधर आलू के टोस्ट की तैयारी कर रही हूँ और ये मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। हम खाना सारा बना कर ले जा रहे हैं, बाकी गुरुजी के मंदिर में लंगर मिलेगा ताकि हम बाहर का खाना ना खाएं। तो आलू के टोस्ट नाश्ते के लिए और दोपहर का लंगर तो वहाँ हो जाएगा, डिनर जो है उसके लिए आलू की सूखी सब्ज़ी और परांठे बना रही हूँ। और पीछे से मैंने मेड को बोल दिया, वो मम्मी पापा को भी आकर सुबह नाश्ता वगैरह खाना बनाकर खिलाएगी सारा। तो ये रहा सरसों का तेल गाइस। मैं सूखे आलू बना रही हूँ ट्रैवल के लिए जो बनाते हैं, तो मैंने सारे मसाले सरसों के तेल में जीरा डाल के सूखे मसालों में थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो डाले हैं। इसमें नमक, हल्दी, चंकी चाट मसाला, धनिया पाउडर, और उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया, हींग भी डाली हुई है, ठीक है, बस कोई प्याज नहीं, कुछ नहीं। तो ये टमाटर का पेस्ट मैं अच्छे से इसको भून लूँगी और उसके बाद आलूओं के मोटे मोटे पीस करके नमक डाल के कसूरी मेथी थोड़ा सा ढक के पकाएंगे एंड वी आर डन। फिर हम पराठे बनाएंगे और मैं इसका मिक्सचर तैयार करूँगी। आपके जीजू आ जाएंगे तब तक टोस्टर में वो ब्रेड पे लगा लगा के टोस्ट बनाते जाएंगे, तभी हम जा पाएंगे। हमें 4 बजे तो निकलना है, मेरे को लगा था हमें 3 बजे निकलना है, 2 बजे उठना है, बट पता नहीं मोहित ने 3 बजे उठाया हमें। एक्चुअली मोहित ने भी नहीं उठाया, गुरुजी ने उठा दिया। अचानक 3:05 पे मेरी नींद खुली और मैंने मोहित को आवाज़ लगाई, सो रहे थे, मैंने कहा जाना नहीं है? कहते हाँ। मैंने कहा 3 तो बज गए? कह रहे हाँ, तो ठीक है उठ जाओ। मैंने बोला तो 3 बजे जाना था, तो कह रहे हैं कि नहीं 4 बजे जाना है। गुरुजी ने अपने आप उठा दिया मेरे तो बिना अलार्म के, पार्थ भी उठ गया। देखा, तो जब बुलावा गुरुजी की तरफ से हो ना तो कोई अलार्म भी नहीं चाहिए होते, वो खुद ही उठा देते हैं। पता है और क्या हुआ था बताऊँ? कल मोहित, हमने इनोवा में जाना है अपनी बड़ी वाली गाड़ी में, तो कल मोहित का जो टायर है इनोवा का, अभी जो नए लगवाए थे, पिछली बार 2 टायर इनके ब्लास्ट हुए थे, तो नए लगवाया था इन्होंने कंपनी से टायर, उस टायर में पंचर हो गया कल, इन्होंने देखा और उसमें कट लगा हुआ था। और आज हमने जाना था सुबह, तो कल ही इनको ये दिखा और इन्होंने जाकर अपनी कंपनी में बात करी, मतलब तो उन्होंने बोला कि जहाँ से आपके नया टायर लगे हैं अभी ये वारंटी में है तो रिप्लेस हो जाएंगे। तो कल नया टायर रिप्लेस करा के दूसरा नया टायर लगवा के आए। तो मन में सोच रहे थे मोहित कि गुरुजी क्या कर रहे हो, कल जाना है फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बाद में इनके अंदर अपने आप ही आवाज़ आई, गुरुजी जवाब देते हैं ना अलग अलग तरीक़ों से देते हैं, कि मोहित ने मुझे बोला प्रिया मेरे को तो गुरुजी से जवाब मिल गया। उन्होंने बोला कि अरे मैं तो ठीक करवा रहा हूँ, जो मुसीबत तेरी कल आनी थी रास्ते में वो मैंने तेरे को बताई है कि अभी ठीक करा ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखा गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं, उनको सब पता है क्या होना है कैसे होना है, और उन्होंने पहुँचाना है हमें तो आने वाली सारी मुसीबतों को हटा देते हैं। तो गाइस, हमारी सफ़र वाले आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है और इधर मैंने आलू का मिक्सचर बना दिया, ब्रेड निकाल दिए और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे। तो मैं तकरीबन 9 या 10 पराठे बना लूँगी। लो जी, ये मैंने सब्ज़ी जो है वो कैसरोल में पैक कर ली है और मैंने कुछ सब्ज़ी मम्मी पापा के लिए छोड़ी है, तो सुबह वो आलू के पराठे खा लेंगे, दोपहर को सब्ज़ी के साथ खा लेंगे, लेट आएंगे वैसे तो रात को। ये रहे सारे पराठे, अब मैं इनको पैक करने लगी हूँ, 3-3 पराठे ईच फॉइल में, फिर टोस्ट बनाते हैं। जय गुरुजी का गाइस, हम तैयार हो गए हैं। और ये रहे आपके जीजू। हेलो, जय गुरुजी। और ये रहा मेरा पार्थु। हेलो, जय गुरुजी। तो अब गुरुजी हमें डुगरी लेकर चलेंगे, हमारी सारी पैकिंग हो गई है, नाश्ता वगैरह सब बन गया है एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लीव। जय गुरुजी गाइस।
जा रहे हैं हम डुगरी। ब्रेक करनाल पार करके कौन सी जगह है ये कुरुक्षेत्र आ गए। कुरुक्षेत्र में हम रुके हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने एक एक टोस्ट तो गाड़ी में ही पेल दिया था, कुछ और करने के लिए वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था और चाय पियेंगे और हम अपने टोस्ट खाएंगे और एक हमने पराठा ऑर्डर किया आलू प्याज का और करनाल पार हो गया। वैसे जिसको नहीं पता दैट्स माई बर्थ प्लेस। वो तीर्थ स्थान घोषित हो गया उसके बाद। क्या उसके बाद से उसको तीर्थ स्थान घोषित कर दिया गया जब से मैडम वहाँ पैदा हुई है। अब सारे माथे टेकते हैं वहाँ। पवित्र भूमि है वो। एक मक्खी गाल पे आके बैठी है। गाइस हम शेयर कर रहे हैं एक तंदूरी आलू पराठा ऐसे तीन हिस्सों में बांट के लाइक पिज्जा। वो तो दो खाना। ये रहे हमारे आलू सैंडविचेस, ये लो जी। और ये हमारी कुल्हड़ वाली चाय। चीयर्स। You handsome boys, चले। ये देखो handsome boys। नाश्ता हो गया। Continue। नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया, चलो। क्या और क्या हो गया? Washroom। लघु शंका हो गई। चलो जी चलो। पेट पूजा एवं काम दूजा सब हो गए। सही बात है, चल। अरे अभी पानीपत पीछे निकला ना, तो उसके ऊपर एक joke याद आ गया मुझे। तीन बंदे ना मर के भगवान जी के पास चले जाते हैं। भगवान के पास दो सीटें होती हैं ऊपर स्वर्ग में, एक नरक में भेजना होता है। तो कहते हैं भाई टेस्ट होगा, यहाँ जो सही पास हो गया वो स्वर्ग में जाएंगे, बाकी नरक में जाएंगे। तो पहले बंदे से बोलते हैं कि तेरे को लिखना आता है घोड़ा लिख के दिखा। वो लिख देता है घोड़ा। दूसरा बंदा क्या, दूसरे बंदे से पूछते हैं भाई कैसे बोलता है। कहते हैं तीसरे बंदे को बोलते हैं चल लिख के दिखा। लिख के दिखा साउंड कैसे लिखेगा। पानीपत से कैसे याद आया, अभी सुना रहा हूँ ना, अभी जोक चल रहा है। तो उसके बाद वो पूछता है, कह रहा नहीं नहीं भगवान ये तो चीटिंग है, चीटिंग है। आप ऐसा करो कोई और सवाल पूछो हिस्ट्री पे। पहला सवाल पूछते हैं भगवान जी, कहते हैं अच्छा चलो इंग्लिश में पूछता हूँ। ये पहले वाले को बोलते हैं बैट, बैट की स्पेलिंग बताओ। कह रहा BAT बैट। दूसरे वाले को बोलते हैं कैट की स्पेलिंग बताओ। कह रहा CAT कैट। तीसरे वाले को बोलते हैं चल चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग सुना। तीसरे को भेजना नरक में भगवान। कहते हैं वो तीसरा बंदा, कह रहा भगवान ये भी चीटिंग है, आपने उनसे आसान पूछे मेरे से मुश्किल पूछ रहे। कह रहे आप कोई और सवाल पूछो। कह रहा मैं हिस्ट्री का टीचर था, हिस्ट्री का सवाल पूछो। तो हिस्ट्री का सवाल पूछते हैं। तो पहला सवाल बोलते हैं बंदे से कि भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ हुई थी। कह रहा भगवान पानीपत में हुई थी। कह रहे वेरी गुड पास। दूसरे से पूछते हैं उसमें कितने लोग मर गए थे। कह रहा लगभग 1.5-2 लाख लोग मर गए होंगे। कह रहे वेरी गुड पास। तीसरे को बोलते हैं चल अब सबके नाम बता। हिस्ट्री का टीचर था ना बेचारा जी। कह रहा प्रभु नरक में भेज दे कोई बात गए गुरुजी के डुगरी मंदिर। ओ भाई साहब ये संडे सिर्फ महीने में फर्स्ट संडे ओपन होता है और आप देखो जरा कितनी ज़्यादा पार्किंग। वैसे सब जगह सेवादार खड़े हैं, बसों में लोग आए हुए हैं कहाँ कहाँ से। सारा रास्ता हमें गुरुजी की गाड़ियाँ बसें सब दिखता रहा।
गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फ्रेंड्स, हमें गुरु जी के दर्शन हो गए। जय गुरु जी। और बाप रे, हैं गेट दिखा दो ना। हाँ हाँ हाँ, वो देखो जी, गेट देखो। His Holiness गुरु जी महाराज डिवाइन गेट डुगरी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। इन्नी सारी संगत उमड़ी है, इन्नी सारी लखां च संगत उमड़ी है। जय गुरु जी। बहुत प्यारा लंगर, बहुत प्यारे दर्शन। ते मैनू ते स्टिकर वाली ब्लेसिंग भी मिल गई। मैं चाहती सी अपनी गड्डी लई, दो चाहती सी पर एक मिली है। कोई नहीं, जो गुरु जी की मर्जी दूजी भी मिल जाएगी। तो ये बस वेट कर रहे हैं हम लगाने की अभी। पर इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि लोग जा रहे हैं जिन्होंने कर लिए दर्शन, और लोग आ रहे हैं। आज 4 बजे तक खुला है मंदिर, इसलिए गाइस फ्रेश जूस टाइम। चीयर्स। यहाँ पे भैया बना रहे हैं संतरे के फ्रेश जूस। कोल्ड ड्रिंकों, चाय कॉफियों से तो यही बेटर है। जय गुरु जी। आह, मज़ा आ गया। 3:30 हो गए गाइस, हम थोड़ा सा रुके हैं। आपके जीजू को हल्की सी नींद आ रही थी, तो उन्होंने बोला कोई कॉफ़ी कॉफी पीते। ओहो, मेरा सारा काजल फैल गया। कॉफ़ी तो मिली नहीं, कॉफ़ी का तो आउटलेट कोई हमें दिखा नहीं। फ्रेश जूस यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं, यही पी लेते हैं। मिल गई कॉफी शॉप।